हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स की डिमांड पर बातें करने वाले हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का 10th क्लास का इंग्लिश का पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का जो मर्ज सिलेबस हो गया है इस साल, तो उसका जो पहला चैप्टर है पोएम का डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। इसके जो राइटर हैं, राइटर बोले तो पोइट हैं, क्योंकि पोएम तो पोइट, पोएम के अंदर पोइट होते हैं और प्रोज के अंदर राइटर होते हैं। तो इसके जो पोइट हैं यानी कवि हैं वो हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रोज के चैप्टर और उनके राइटर दोनों को याद रखना है आपको, ऐसे ही पोएम के चैप्टरों को याद रखना है और पोएम के जो पोइट हैं यानी कवि हैं उनके नाम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। तो पहले हम लोग इस वीडियो में, मैं इसी वीडियो में आपको इसके पहले समरी बता देता हूं और समरी के बाद हम लाइन बाय लाइन क्या समझेंगे इसका हम लोग हिंदी अर्थ भी समझेंगे, ठीक है? तो आप लोगों के बहुत अच्छा समझ में आएगा। और हम लोग इस वीडियो में ये बातें भी करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है और आपको क्या करना है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। देखो डस्ट ऑफ स्नो, देखो डस्ट का सेंस यहाँ पे कोई धूल नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, डस्ट का यहाँ पे सेंस है टुकड़ा। क्या सेंस है यहाँ पे? टुकड़ा। तो डस्ट ऑफ स्नो माने क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा। एक्चुअली में इसके जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या कहने वाले हैं, किसी वजह से किसी कारणवश और रेडी क्या हुए थे? दुखी थे। हालांकि ये चीज उन्होंने जो मैं बता रहा हूं आगे इस पोइम में मेंशन नहीं की गई है। एक कहीं जा रहे होते हैं तो एक धतूरे का जो पेड़ होता है, हेमलॉक ट्री बोलते हैं, धतूरे का पेड़ होता ना, तो धतूरे के पेड़ पे क्या थी? बर्फ वगैरह थी। देखा होगा आपने कई जगह पे क्या होते हैं, पेड़ों के ऊपर क्या होती है? बर्फ जम जाती है। तो उसी धतूरे के पेड़ पे बर्फ जम गई थी, उस पर कौन था? क्रो था। क्रो बोले तो कौन था? एक कौवा था। तो किसी वजह से दुखी थे, इनका दिन का आधा हिस्सा खराब हो गया था किसी कारणवश। तो ये धतूरे के पेड़ के नीचे से होके जाते हैं ना, तो एक कौवा क्या करता है? कौवा बर्फ के टुकड़े को इनके ऊपर गिरा देता है, जिससे इनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। अर्थात इनका हृदय रूपी जो मिजाज होता है वो चेंज हो जाता है। और ये कहते हैं कि मेरा जो अभी दिन का जो आधा हिस्सा दुखी निकल गया था इस कोए के वजह से, इस हेमलॉक ट्री के वजह से, इस धतूरे के पेड़ के वजह से मेरा आधा हिस्सा भी दुखी होने से बच गया। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि धतूरे के पेड़ पे से जो बर्फ का टुकड़ा गिरा था उस कोए ने इनको उससे खुश कर दिया, क्योंकि थोड़े से दुखी थे तो बर्फ का टुकड़ा गिर गया ना, तो इनको देख के उसको हंसी आई और थोड़ा सा काफी अच्छा, मतलब जो दुख था वो क्या हो गया? दूर हो गया। तो इस माध्यम से यहां बताना चाहते हैं, देखें द बे माने जिस तरीके से, बे माने रास्ता भी होता है पर यहां सेंस है तरीका। द वे जिस तरीके से आक्रो एक कोए ने सुकडाउन माने हिलाया, साथ में बड़ी मीनिंग आप लिखते चलना है। द बे माने जिस तरीके से एक क्रो माने एक कोए ने सुकडाउन माने हिलाया ऑन मी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम माने कहां से, फ्रॉम माने से, ए हेमलॉक ट्री माने धतूरे का पेड़, यानी राइटर इस पेड़ के नीचे से होके जा रहे थे तो धतूरे के पेड़ से एक कोए ने बर्फ के एक टुकड़े को क्या किया? इनके ऊपर गिरा दिया। यानी कोए ने क्या किया होगा? कोया अब पेड़ पे होगा, अपने पंखों से या किसी भी वजह से बर्फ के टुकड़े को इनके ऊपर गिरा दिया, वो कहना है चाह रहे हैं। दोबारा सुने, द बे माने जिस तरीके से एक क्रो माने कोए ने सुकडाउन माने हिलाया ऑन मी माने मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, सुकडाउन किसके आया है? पेड़ को हिलाया, ऑन मी माने मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो जिससे क्या हुआ? बर्फ का टुकड़ा
फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री माने धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़ कैसा होता है? बहुत ही जहरीला होता है। धतूरे का पेड़ बहुत ही क्या होता है? जहरीला होता है। तो जब राइटर जा रहे थे धतूरे के पेड़ के नीचे से, तो एक कौवा आता है और धतूरे के पेड़ से एक बर्फ के टुकड़े को, यानी पेड़ को हिलाकर इनके ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिरा देता है। क्लियर हो गया? आगे ध्यान दें, दूसरा स्टेंजा क्या है? हैज गिवन, हैज गिवन माने देना, प्रदान करना। हैज गिवन का सेंस है माने प्रदान करना। माई हार्ट, मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड का अर्थ होता है मिजाज, बदलता हुआ मिजाज। अर्थात एक भाषा में कह सकते हैं जिससे उनके हृदय का मिजाज, मूड माने मिजाज क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? बदलाव हो गया। आप जानते हैं, थोड़ा बता दूं कि आप पोएम वगैरह में हमें भावांश भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा छोटी सी लाइन का बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। मैं हैज गिवन माई हर्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया। क्या प्रदान किया? क्या दिया? इट चेंज ऑफ मूड, मूड मिजाज को चेंज कर देना। अर्थात मेरे दुखी हृदय को उस बर्फ के टुकड़े ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मेरे दुखी हृदय के मिजाज में चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया। अर्थात वो दुखी थे, वो क्या हो गए? खुश हो गए, जैसे ही बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरा। तो एंड माने और, सेव्ड बचा लिया, संपाट कुछ हिस्से को, ऑफ ए डे एक दिन के, आई हैड रूइड, आर यू ई डी, रूइड माने होता है दुखी होना। क्या होना? दुखी होना। अर्थात मैं अभी तक जो दुखी चल रहा था या दुखी था, आगे वाले पार्ट को इस बर्फ के टुकड़े ने दुखी होने से क्या कर लिया? बचा लिया। अर्थात अब मैं दुख नहीं हूं। अर्थात उनका क्या हुआ था? हृदय रूपी मिजाज क्या हो गया था? चेंज हो गया था। एक बार दोबारा से एक साथ इनको देख लेते हैं। द बे माने जिस तरीके से, आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़े को मेरे ऊपर गिरा देता है। इससे क्या होता है? हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरे हृदय का मिजाज बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। आई हैड रूइड, जिसको मैं दुखी था, अर्थात अभी तक जो मैं दुखी था, दुखी तरीके से मैं व्यतीत कर रहा था दिन को, आगे वो दिन दुखी ना हो, उस हिस्से को कोहे के वजह से, बर्फ के टुकड़े के गिरने के वजह से मैं खुश हो जाता हूँ, और बाकी का हिस्सा दिन का दुख होने से, यानी परेशान होने से, अर्थात मेरा मस्तिष्क दुखी होने से बच जाता है। यही क्या थी? हमारी पोएम थी। अब थोड़ा सा मैं एडवाइस देना चाहूँगा आप लोगों को। हाई स्कूल के अंदर मैंने सिलेबस वैसे आपको अपलोड कर दिया था, क्या सिलेबस में इस पोएम से नहीं, जितनी भी हाई स्कूल के अंदर पोएम है, चार लाइन का तो आपका स्टेंजा आएगा। स्टेंजा बोले तो चार नंबर का स्टेंजा, कैसा कि आपको दो तीन लाइन दे दी जाएंगी, उसमें तो दो क्वेश्चन छटवा लिए जाएंगे आप पे, ठीक है? तो चार नंबर कैसे आएंगे? चार नंबर का आपका क्या आएगा? एक आएगा सेंट्रल आइडिया और पोएम, यानी आपके पास चॉइस होगी, सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हैं और आप लोग पोएम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली, टेंथ क्लास वाले स्टूडेंटों को हमेशा एग्जाम के अंदर चार लाइन की पोएम ही करनी है। क्या करनी है? पोएम ही करनी है, ठीक है? तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे ही आगे भी इसी क्रम में पोएम, प्रोज और शॉर्ट स्टोरी की वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर